दोस्तों स्वागत है सभी का फिर से एक और नई वीडियो में। और दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, स्किल इंडिया, AICT, UGC, नास्कॉम जैसे गवर्नमेंट डोनेशन के कोलैबोरेशन से स्पेशली यूथ स्टूडेंट्स के लिए एक प्रोग्राम यहाँ पे लॉन्च किया गया हुआ है डिजिटल स्किलिंग करके। इस प्रोग्राम के थ्रू दोस्तों एम रखा गया, आप लोग देख पाएंगे, मेकिंग इंडिया द ग्लोबल डिजिटल टैलेंट हब। और यहाँ पे एम रखा गया 1 करोड़ डिजिटल वर्कफोर्स तैयार करने को लेके। बेसिकली इस प्रोग्राम के थ्रू जो भी यूथ स्टूडेंट्स हैं उनको डिजिटली स्किल्ड किए जाएंगे। इसके साथ ही इसी प्लेटफॉर्म पे आपको इंटर्नशिप हो गया, अप्रेंटिसशिप हो गया, यानी कि वर्क फ्रॉम बी इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी यहाँ पे हो सकता है। तो सारे डिटेल्स को दोस्तों आगे हम लोग कवर करेंगे। आगे बढ़ने के पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि इस तरह के वीडियोज आगे भी चैनल पर आपको मिलती रहेगी। तो आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, और भी इसी तरह से टोटल 72+ डिफरेंट प्रोफाइल्स के अंदर निकाले गए हैं, लाइक एविएशन, एरोस्पेस हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, एडवांस ऑटोमोशन, एडवांस मटेरियल्स हो गया, और भी काफी सारे ब्लॉकचेन हो गया, बिग डेटा, बायोटेक्नोलॉजी, बैंकिंग एंड फाइनेंस, सभी तरह के आपको यहाँ पे डिफरेंट प्रोफाइल्स के अंदर स्किल्स देखने को मिल जाएंगे जिसको आप लोग सीख सकते हैं। साथ ही इसी स्किल्स में दोस्तों आप लोग इंटर्नशिप हो गया, अप्रेंटिसशिप हो गया, ये भी ज्वाइन कर सकते हैं सीखने के बाद। जैसे सबसे पहला है दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो यहाँ पे क्लिक करके आप लोग जो है इसका इंट्रोडक्शन चेकआउट कर सकते हैं। इस कोर्स में क्या क्या सीखने को मिलेगा, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज इसके अंदर अवेलेबल है, ये सब कुछ आप लोग यहाँ पे जान पाएंगे। मार्केट साइज आप लोग देख सकते हैं, $126 बिलियन US का एस्टिमेट रखा गया 2030 तक। ग्लोबल जॉब अपॉर्चुनिटीज कितना प्रोवाइड कर सकता है जॉब्स वगैरह 2025 तक, ये भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। लर्न फ्रॉम के सेक्शन में आप लोग देख पाएंगे कौन कौन से वो प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप लोग इस AI को सीख सकते हैं, लाइक AWS, Amazon का हो गया, Microsoft है, IBM, ये सब ऑर्गेनाइजेशन आपको यहाँ पे सिखा रही है AI के बारे में। कैसे रजिस्टर करना है उसको भी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। इंटर्नशिप आप लोग देख पाएंगे AI बेसिक हो गया, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, सुपर AI, AI फॉर बिजनेस, एनालिटिक AI, फंक्शनल AI, इंटरएक्टिव AI, काफी सारे आपको यहाँ पे इंटर्नशिप भी देखने को मिल जाएंगे जो कि स्किल सीखने के बाद आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप लोग अप्रेंटिसशिप करने में इंटरेस्टेड है वो भी आप लोग यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों और भी आप लोग जितने प्रोफाइल्स में आप लोग इंटरेस्टेड उसको आप लोग चेकआउट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। साथ ही इसमें इनरोल करना भी बहुत ही आसान है। सिंपली क्या करेंगे, अगर आप लोग स्किल सीखना चाहते हैं, लाइक यहाँ पे एक माइक्रोसॉफ्ट है तो इस पर सिंपली टाइप करेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना होता है। तो स्कूल स्टूडेंट है, हायर एजुकेशन है, या फिर दोस्तों रिसेंट ग्रेजुएट आपने कंप्लीट किया तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे स्कूल स्टूडेंट 7th-12th सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पे दोस्तों कुछ अपना एजुकेशनल डिटेल्स फिलअप करना होता है, लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप लोग किस लेवल का सीखना चाहते हैं, बेसिक लेवल, इंटरमीडिएट या फिर हायर। तो हम लोग यहाँ बेसिक सेलेक्ट कर लेते हैं। आप इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद क्या करना चाहेंगे, तो अगर आप स्कूल में तो सर्टिफिकेशन वगैरह यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ये कुछ आपको डालना होता है। ईमेल आईडी, कैटेगरी वगैरह सेलेक्ट करना होगा, आधार नंबर डालना होता है। उसके बाद ये सब फिलअप करके दोस्तों यहाँ पे आई एम नॉट अ रोबोट है क्लिक करके यहाँ पे सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद दोस्तों जो भी प्लेटफॉर्म आप लोग सेलेक्ट करते हैं, लाइक आपने माइक्रोसॉफ्ट सेलेक्ट किया तो माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप लोग रिडायरेक्ट हो जाएंगे, जहाँ पे आप लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सारे कोर्सेस लेक्चर्स को आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। और जब आप लोग कंप्लीट कर दें तो आपको सर्टिफिकेट ही मिलता है। उसके बाद दोस्तों अगर आप लोग स्कूल स्टूडेंट है या फिर कॉलेज स्टूडेंट है तो आप लोग यहाँ पे इंटर्नशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग वर्क फ्रॉम होम करने में इंटरेस्टेड है या फिर अप्रेंटिसशिप को भी चेकआउट कर सकते हैं। तो ये कुछ यहाँ पे प्रोसेस होता है। तो अगर दोस्तों आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो इस डिजिटल स्किलिंग प्रोग्राम में आप लोग इनरोल कर सकते हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और भी काफी सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिनके कोलैबोरेशन से ये स्पेशली यूथ स्टूडेंट्स के लिए निकाला गया है। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको ये छोटा सा वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर से एक लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।